वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हमारे पास आने वाली है अर्टिगा, जिसके अंदर पहले सिस्टम लगा हुआ है लेकिन बाइक को चाहिए कुछ और एक्स्ट्रा, तो हम उसमें लगाने वाले हैं ब्लू जोन के आपके मिड रेंज, जो कि अभी फिलहाल हमारे पास रेडार ऑडियो वाले भाई भी आ रखे हैं, तो उनके हाथ से शुभारंभ करेंगे, इन चीज़ों का प्रॉपर सेटिंग करवाएंगे। गाड़ी में उनके पहले से ऑलरेडी सेटअप लगा हुआ है, तो थोड़ा सा वॉइस को और इन्हेंस करना चाह रहे हैं वो, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। तो चैनल पर बने रहिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से अगर गाड़ी में सिस्टम जो लगता है वो किस हिसाब से लगता है और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिलते हैं चैनल पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हमारे पास ये अर्टिगा आ रखी है जो कि हाईली मॉडिफाई हो रखी है। इसके अंदर जो भाई ने लगा रखे हैं व्हील, भाई या कैलाश कॉलोनी से लगाए यूनिवर्सल टायर्स है और चाइनीज टायर है कैंडा के। इस गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा सेटअप जो आया था भाई, वो आया था ऑडियो का सेटअप पूरा तैयार होने में। भाई ने लगा रखे हैं अपने चार चैनल के दो एम्पलीफायर SNB के, एक ये लगा हुआ एक ये लगा हुआ। इनके अंदर वोकल जो लगा रखे हैं भाई ने, भाई रेफरेंस सीरीज के लगा रखे हैं। रेफरेंस सीरीज में उनकी बस थोड़ी दिक्कत ये थी कि थोड़ा वोकल उनका प्रॉपर से ये साफ नहीं आ रहा था, तो हमने रेडार ऑडियो के भाई की मौजूदगी में, मतलब वो थे यहाँ पे तो लगे हाथ, उन्हीं से हाथ मैंने सेटअप करवा दिया। तो भाई सेटअप के बाद सुनते हैं भाई कस्टमर का रिव्यू, किस तरीके का सेटअप का रिव्यू इसमें आया हुआ है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिली है उनको पूरी नहीं मिल पाई है। तो भाई ये भाई की गाड़ी होने वाली है, भाई का किस तरीके का सेटअप हुआ है और कैसा आपको फील हो रहा है इसमें? भाई आपके आपके मैं भरत भाई के थ्रू आपके पास आया था, तो भरत भाई के मतलब उनकी गाड़ी में काम भाई, भरत भाई को जो नहीं जानता वो टीम जोंगा को जानता होगा। भाई टीम जोंगा ऑल टाइम फेवरेट है भाई सबकी, और इको अगर देखनी हो तो भाई मैं लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना भाई कि टीम जोंगा कौन है। तो मैंने ये सिस्टम लगा था लेकिन मैं साउंड थोड़ा सेटिस्फाई नहीं था, बेस में मतलब मुझे दबा दबा सा फील हो रहा था। तो परसों मैं एक या दो दिन पहले आपसे भाई के पास मिला था आपसे, तो भाई ने बोला एक दो दिन में जैसे टाइम मिलता है आने के लिए। भाई ने अभी अपना सिस्टम अपग्रेड किया, साउंड के वायरिंग सेट करी है, सेटअप किया है, तो अब बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। सेटिस्फेक्शन है पूरा भाई, पूरा सेटिस्फेक्शन है भाई। जो साउंड का सेटअप जो हुआ है वो हुआ है हमारे रेडार ऑडियो की तरफ से। रेडार ऑडियो वाले भैया आ जाओ। तो भैया इसमें क्या सेटअप पहले लगा हुआ था और हमने क्या किया हुआ है इसमें, थोड़ा ब्रीफ कर दो। हमने कुछ नहीं करा इसके अंदर, हमने सिर्फ भाई ने मिड रेंजेस लगाई हैं ब्लू जोन की, ठीक है। तो दिखा दो आगे, ये मिड रेंज लगाई है भाई ने ब्लू जोन की, ठीक है। एक ये है, एक वहाँ लगी हुई है। अच्छा। बाकी और इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने कंपोनेंट्स लगा रखे थे रेफरेंस, और जो अराउंड 60 वोल्ट RMS के हैं। हमने सिर्फ आगे सपोर्टिंग के लिए वो डाला है, प्लस इसके अंदर जो भी सेटिंग का खेल है सारा, सेटिंग खराब थी सारा, क्योंकि टू चैनल पे हमारा बेस पेटी चल रही है। मैं दिखा देता हूँ बेस में क्या लगा रखा है इन्होंने, ये लगा रखा भाई रॉकफोर्ड फॉस्गेट, बेस्ट है 400 वॉट, बेस्ट है भाई। जिसके पास स्पेस वगैरह नहीं है ये लगाओ, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी छिड़वाने की या कुछ नहीं की। भाई ये कह रहा था कि इसके अंदर 800 वोल्ट RMS का सबवूफर लग जाए, 10 इंची के दो लग जाए, भाई स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, बात उतनी ही आनी है, तो कोई फायदा नहीं है। मैं कभी मिसगाइड नहीं करूंगा अपने सब्सक्राइबर को या कोई भी आए, तो ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब ये सोचे कि मैं दो और लगा के और गाड़ी ला दूंगा, नहीं होएगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए कम से कम 3 क्यूबिक फीट, वो नहीं मिलेगा इसके अंदर। CNG लगी हुई है इसमें, हाँ, तो मैं रेफर नहीं करूंगा और मैंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे रहा। अब उसके बाद में सेटिंग करी है हमने मोनो और टू चैनल पे, हमने ये डाल दिया, और प्लस हमने 4 चैनल पे हमारे जो 4 कंपोनेंट्स थे उनको 2 ohms बना दिया, 4 4 ohms के थे, 2 ohms बना के 1 चैनल दे दिया, 2 ohms बना के एक को 1 चैनल दे दिया। इसके बाद में हमारे 4 चैनल के 2 चैनल बच गए, उसके ऊपर 1 चैनल पे हमने अपनी मिड रेंज डाल दी। इसकी वजह ये थी, अगर मैं सबको सेपरेट अलग अलग कर देता फिर अपनी मिड रेंज डालता आगे वाली, वो देख लो, तो वो फट जाती, क्योंकि मैं स्पीकर के हिसाब से उसको वो लाउड डालता, तो ये इतने कैपेबल नहीं है कि ये झेल जाते। तो इनको अगर सेपरेट चैनल दिया जाए ट्यूटर्स को, बुलेट ट्यूटर्स को, ज्यादा बेटर है, और ज्यादा तरीके से हम इसमें से आवाज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सारा मैचिंग करा है, हमेशा ऑलवेज ट्राई करें कि जो हमारी कमजोर कड़ी है, कमजोर स्पीकर है, कमजोर वूफर है, उसी को लेते हुए ही फ्रिक्वेंसी को हम डालें, वो ज्यादा बेटर है। अगर आप पे ऑप्शन नहीं है, आप खर्चा नहीं करना चाहते, तो साउंड क्वालिटी में चले जाओ, लाउडनेस में मत जाओ, क्वालिटी में जाओगे ना मजा आ जाएगा। तो ये कमजोर कड़ी, इसके हिसाब से वोकल मैंने सारा सेट किया और सबवूफर को भी सेट किया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन मार रहा था। अब फाइन कर दिया, साउंड क्वालिटी के अंदर डाल दिया,
बाकी भाई बताएगा और वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। भाई ने तो बता दिया पूरा का पूरा, इसमें एक बार डेमो दे देते हैं एक बार कि किस तरीके का वो आ रहा है साउंड सेटअप, किस तरीके का बना हुआ है। हाँ तो ये नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका वोकल किस तरीके का आने वाला है। तो आपने सिस्टम देख लिया होगा किस तरीके का हमने लगा के दिया है, इसके अंदर सेटिंग करी है। मेन कहानी होती है भाई सेटिंग की, दो एम्प लगने के बावजूद भी अगर आवाज आपको साफ नहीं आ रही है तो उसके लिए भाई सेटिंग बहुत जरूरी है। साथ में हमने वॉइस को और एनहांस करने के लिए ब्लू जोन का आपका मिड स्पीकर लगाया गया है। और अगर आपको ये सिस्टम अगर लगवाना है गाड़ी में या इससे अपग्रेड करवाना है तो आप आ सकते हो सैकड़ो मफिया कार सीरीज में। लोकेशन और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप की लोकेशन लो और आप मोस्ट वेलकम है, आप आओ यहाँ पे रीजनेबल रेट पे अपने गाड़ी में सिस्टम लगा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय।